क्योंकि बेसिकली मैंने विंता नंदा का पोस्ट पढ़ा और मुझे बहुत बहुत बुरा लगा. और ये मेरे साथ बहुत साल पहले घटना हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट मैं दिमाग से निकाल चुकी थी, क्योंकि जो एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये सब औरतों के साथ होता है. एक शराब पिया हुआ मर्द औरत के ऊपर गिर रहा है, ये सब जगह होता है. तो ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की खासियत है नहीं. हाँ, सब ऑफिस पार्टीज में होता है, शादियों में होता है, आपके अंकल जी जरा ज्यादा पी लिए, बेटा बेटा करके आ रहे हैं, ये सब जगह होता है, सब मत करते हैं. तो ये कुछ खास बात नहीं है. तो जो मेरे साथ हुआ, और ऐसा हुआ कुछ नहीं, ही केम इन टू माई रूम एंड ही वॉज टोटली ड्रंक. फिर लकीली वहां से एक, हाँ आलोक जी की बात करें, और ये 1995 की बात है, ठीक है. तब मैं छोटी थी, तब अब मैं मदर के रोल्स कर रही हूँ, तब मैं मेन लीड कर रही थी और वो मेरे फादर का रोल कर रहे थे. तो मैं छोटी थी तब, इन 1995. दिस वॉज अ टेली फिल्म फॉर डन फॉर दूरदर्शन, इट वॉज कॉल्ड कोक. तो वो एक बार दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुई और बस उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं उसका. सो एनीवे, तो वो नशे में धुत आए रूम में और ऐसे बैठे और बहुत थे. बट लकीली वहां से एक असिस्टेंट डायरेक्टर देखा, मैंने वो गुजर रहा था, मैंने दरवाजे रूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया, क्योंकि जब खटखटाया मैंने खोला तो वो अंदर घुसा है. तो मैंने उसको बुलाया तो वो आके बैठ गया और फिर वो उठकर चल दिए और इतने नशे में धुत्ते कि जमीन पर गिर गए और सर उनका जमीन पर लग गया और वो चले गए. पर हर शाम को डिनर पे पीकर उधम मचाते थे. और यूनिट का सोल्यूशन क्या था कि मुझे अपने रूम में जल्दी भेज दिया जाए कि अच्छा हाँ दीपिका तुम जाओ. उनको पता नहीं किसी ने बोला कि नहीं. और अगर आप संध्या मृदुल का पोस्ट पढ़ें तो उनके साथ भी यही हुआ. सोल्यूशन क्या निकाला गया इस प्रॉब्लम का, कि उनकी हेडड्रेसर उनके साथ सोए रूम में ताकि उनके साथ कोई कंपनी हो. पता नहीं इन महाशय को किसी ने कुछ बोला कि नहीं, ये मुझे पता नहीं ना. तो उनको बोलना चाहिए था ना कि आप खबरदार ऐसी चीज करें. उनको क्यों नहीं बोला गया कि स्टॉप डूइंग दिस, दैट इज द थिंग. So that is it. So and then when I read Vinita Nanda's post, I was absolutely horrified. And then I said ki ye bolna chahiye ki ye ek pattern hai jo ye karte hain aur aisa hua hai, bar bar hua hai aur industry mein sabko pata hai ki ye aisa hota hai. Kyunki hum sab actors jab milkar baat karte hain, gappe marte hain, to unka naam kai baar aata hai aur kai logon ne bola hai ki haan aisa hua hai. Gents ne bhi, many male actors have said ki haan humko pata hai, humne dekha hai. Ab wo male actors samne kyun nahi aa rahe mujhe pata nahi hai. Isi baat ka bahut gussa hai mujhe ki wo nahi aa rahe. 15 aurte chilla chilla kar kahengi ki ye hua hamare sath, ye hua hamare sath, vishwas nahi karenge. Ek aadmi uthke khada hoga aur bolega haan maine dekha hai, sab vishwas karenge uska. Kyun? Yahi to ye isi baat pe gussa aata hai. संध्या मृदुल सामने आई है और जैसे विनीता जी आई है, विनीता जी आई है, इतने सारे लोग और भी जो ये सब बोल रहे हैं, यानी आप लोग सबने कुछ तो मतलब सही बिल्कुल सब्सटेंशियल है इस चीज में. ऑफ कोर्स है एंड माय फ्रेंड. और ऐसा नहीं है कि मैंने ये बात अंदर दबा के रखी है और इतने सालों बाद ये उमड़ पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने सबको बताया था, सबके सामने हुई है ये घटना. संध्या का भी सबके सामने हुआ है, ठीक है, विंता का लोगों को मालूम नहीं था, पर सबके सामने पूरे यूनिट ने देखा ये हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि ये कोई दबी हुई बात है और मैंने अपने अंदर ये दर्द छुपा के नहीं रखा है, कोई इतना कुछ ड्रामेटिक हुआ नहीं है. मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, रेणुका को पता था, उसको मैंने तभी बताया था, उसको 1995 में बताया था ये बात. और अभी उसने ट्वीट किया कि आई रिमेंबर यू हैड टोल्ड मी दिस मेनी मेनी ईयर्स अगो. एंड लोग ट्विटर पे उसको ट्रोल कर रहे हैं कि तब क्यों नहीं बोला. तो क्या आपकी फ्रेंड आपको कुछ बात बताती है, आप ट्विटर पे लिखने वाले हैं? 1995 में ट्विटर था, तो अभी ट्विटर आ गया है, तो उनकी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो ट्विटर पे लिखने वाली है? क्या बकवास है यार, रिडिकुलस. बहुत अच्छी बात हुई है. और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब से ये मी टू मूवमेंट शुरू हुआ है, अ लॉट ऑफ मेन आर फीलिंग कि ये क्या, ये औरत के साथ भी हुआ है, वो औरत के साथ भी हुआ है, ये कैसे हो सकता है. उनको ये खुशफहमी है कि हमारे घर की औरतों के साथ ये नहीं हुआ है. तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल गलत हैं. आपकी माँ के साथ हुआ है, आपकी बहन, आपकी चाची, नानी, परनानी, सबके साथ हुआ है. दुनिया में एक औरत मेरे सामने लाकर खड़ा कीजिए जिसके साथ हुआ नहीं है. अगर इफ आई मीट अ वुमन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो, अगर मैं उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं जानू, आई नो सम पॉइंट इन हर लाइफ शी हैज बीन हैरस्ड एंड शी हैज बीन मोलेस्टेड. इट इज अ गिवन एंड दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स. मतलब जैसे मुझे रेणुका जी से भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल एक चेंज पर्सन हो जाते हैं, जो उनकी इमेज है या ये है क्या.
हाँ वो दिन में जब पीए नहीं होते तो बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, बहुत ही कल्चर्ड, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो वही तो लोग पब्लिक के सामने यही तो उनका इमेज है ना कि बहुत संस्कारी है, और शराब पीने के बाद वो कुछ और ही हो जाते हैं, तो यही तो है। और यही है जब आप कहते हैं कि नहीं मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इन सिर्फ इन्हीं की बात नहीं, जो कोई भी मोलेस्टर हो, कोई भी जो ऐसी हरकतें करता हो, चाहे आपके फैमिली में हो चाहे जो भी हो, नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे, कितने अच्छे से हमसे बात करते हैं। अब वो हर एक आदमी के साथ थोड़ी करने वाले हैं, ये हर एक और जो औरत दिख जाए उनके साथ थोड़ी करने वाले हैं। तो जो बोल रहा है, अपने आप को इतनी डिफिकल्ट पोजिशन में डाल के बोल रहा है, उसका प्लीज विश्वास कीजिए। और जो लोग सोचते हैं कि हम ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, अगर तब मैंने बोला होता जब 20 साल पहले, तब लोग कहते कि पब्लिसिटी के लिए कर रही है, और रोल्स चाहती है, मुझे और रोल्स नहीं मिलने वाले थे अगर मैंने तब बोला होता, है ना। आई वुड हैव बीन ब्रांडेड डिफिकल्ट, आई वुड हैव बीन ब्रांडेड अ ट्रबलसम एक्ट्रेस, और मुझे रोल नहीं मिलते। अब क्या मिलने वाला है रोल मुझे यार इस उम्र में? ठीक है जो मिल रहा है आई एम वेरी हैप्पी विद वट एवर इट इज। आपको क्या लगता है विंता नंदा ने ये सब बोला उसको एक्स्ट्रा काम मिलने वाला है? अचानक प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाएगी कि आइए स्क्रिप्ट लिखी है हमारे लिए? दैट्स रिडिकुलस नो। शी हैज पुट हरसेल्फ आउट देयर इन दैट पोजीशन टू मेक अ पॉइंट, सो प्लीज रिस्पेक्ट हर एंड प्लीज बिलीव हर एंड एडमायर द करेज दैट शी हैज हैड टू डू व्हाट शी हैज डन। अगर कोई औरत कुछ कह रही है, वो अपना बहुत कुछ दाव पे लगाकर बोल रही है, अपना करियर दाव पे लगा रही है, अपने फैमिली की हैप्पीनेस दाव पे लगा रही है, अपनी रेपुटेशन दाव पे लगा रही है, तो प्लीज वो कोई ऐसे ही मजाक के लिए नहीं करेगी, कोई पर्सनल गेन के लिए नहीं करेगी, सो प्लीज उसका यकीन मानिए क्या कह रही है। और आप कुछ ऐड कर रही थी? हाँ मैं ऐड कर रही थी, अभी जो नैनी दीक्षित ने विकास बहल के बारे में बताया है, नैनी मेरी अच्छी दोस्त है, मैंने उसके साथ सियासत सीरियल में काम किया है, और 4 या 5 साल पहले जब हम सियासत शूट कर रहे थे तब मैं उसको पूछ रही थी कैसा रहा क्वीन में काम करने का एक्सपीरियंस, तो उसने कहा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, मैं जिंदगी की बड़ी सबसे बड़ी गलती थी मैंने क्वीन किया, विकास बहल इस तरह का बंदा है, ये व्हाटएवर उसने मुझे बताया, और हम अपने आपस के स्टोरीज शेयर कर रहे थे, और मैंने उनको उसको बताया, आलोक जी के बारे में भी बताया, ये अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, हमने स्टोरीज शेयर की थी, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो अचानक वो उसके बारे में बोल रहे हैं इसलिए उसने बोल दिया, 4 साल पहले उसने बताया था, 20 साल पहले मैंने रेणुका को बताया था, और कई फ्रेंड्स को बताया था मैंने, तो ये कोई बहुत रहस्यमयी कुछ चीज़ नहीं है, तब हुआ था सबको पता था, तब भी हमने बोला था और अभी भी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, तब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, ट्विटर नहीं था तो हमने ट्विटर पे नहीं लिखा, तो बस।